मेरी पार्टनर भी आ गई, मेरी पार्टनर भी आ गई। ये भी कौन थी जिस आज? क्या? चलो बैठ। मैं बैठूं। मैम सबसे पहले आपको मेरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू टू। इधर काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, कुछ आपको कुछ पसंद आया? मुझे तो सब कुछ पसंद है, शॉपिंग किसको नहीं पसंद। लेकिन इस फ्ली बाय द ट्री का जो मेन जो खासियत है वो है कि पद्मसीता हैंडक्राफ्टेड विंटेज जो हमारा ब्रांड है वो यहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरे का है फ्ली बाय द ट्री, तो जाहिर है कि हमें भी भाग लेना है। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली, कपड़े हैं, चप्पल्स हैं और खाने की चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक होम ग्रोन थिंग्स हैं, राइट? व्हाट आई एम मिसिंग? वीगन, सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक, तो ये स्पेशलिटी है ज़्यादातर। हाँ, ज़्यादातर लोग एक्चुअली ऑर्गेनिक और यू नो इन चीज़ों में क्या कहते हैं, हाँ, उनका रुख थोड़ा सा मुड़ रहा है उसकी तरफ। तो ये बहुत अच्छा पॉपअप है जो तेजस्विनी ने शुरू किया है। मैम जैसे कि आपकी मूवी आई थी सत्यम सिंह सुंदरम सौतन, बहुत ही बहुत लोगों को बहुत पसंद है, क्या कुछ कहना चाहोगे, कुछ यादगार पल बताना चाहोगे उस मूवी के बारे में? मेरी खुशकिस्मती है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद, और यही कहूँगी कि उनका इसी तरह रहे मेरे साथ, क्योंकि मैं हर जो काम करती हूँ उनके आशीर्वाद और प्यार के बिना मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। थैंक यू। एंड मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द ब्रांड? एंड काफी डिफरेंट नेम है, उसके बारे में इज देयर एनीथिंग बिहाइंड द स्टोरी, एनीथिंग? या सो पद्मसीता ब्रांड के बारे में, मतलब जो नाम जो आपने कहा उसके बारे में, लेट सीता गिव यू अ, बेसिकली शी पद्मिनी केम अप विद दिस नेम एंड यू नो वी वर थिंकिंग ऑफ अ ब्रांड नेम and she suddenly thought of, because she's Padmini, I'm Sita, yes, and she says why don't we call it Padma Sita, right? So that's how it came about, and later we got to know that it basically means Lakshmi carrying a lotus, and lotus is also our logo, yes. So that was a real arrangement, I wouldn't say a coincidence, yeah. So that's how the branding came about. इसके अलावा क्रिसमस का महीना है, नए साल की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द, किस तरह से आप देखते हो 23 को, किस तरह से देखते हैं क्रिसमस की, कोई आपकी कोई यादें, बचपन की कोई यादें, हाउ यू यूज्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस? ओह माय गॉड, क्रिसमस न्यू ईयर्स के लिए तो हम पता नहीं 2-3 महीने से ही तैयारी शुरू करते थे, क्या पहनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस पार्टी में जाना है, तो वो तो खैर बचपन की बातें, अभी आराम ही फरमाते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर्स। मैम कल ही श्रद्धा कपूर का पोस्टर लॉन्च हुआ रणबीर के साथ, कांट वेट। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये 2023 को क्यों निकल रही है, मुझे अभी देखनी है फिल्म। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोमो, वेरी इंटरेस्टिंग पोस्टर। एनीथिंग योर प्रोजेक्ट 2023 में, कुछ प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आने वाले? सरप्राइज, थैंक यू। सो इट इज गोइंग टू कम, यस, दैट्स द अनाउंसमेंट। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शुड वी, एक मिनट, सनी पायल सिंह,
सबसे पहले आपको हैप्पी मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस आप सब लोगों को। कैसे हो सब लोग? थैंक यू। बहुत अच्छे हैं सर, बाहर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी हैं, चप्पल्स भी हैं और भी चीज़ें। आपको क्या पसंद आया फिलहाल? तो मैं अभी मैंने एंट्री मारी है तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, बट जो जगह की जो एनर्जी है, जो वाइब है, वो बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर। एंड ऑल द प्रोडक्ट्स यू नो मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑल वेरी नेचुरल, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय माय आंट तेजस्विनी। तो हम जिस गो चेक इट आउट नाउ, देखें कैसे कैसे चीज़ें मिलती है यहाँ पर खरीदने के लिए। This plan for my Christmas, I'm going to be in Goa. I really like the Christmas in Goa. You know, it's all very lit up, and the food and the feasts and, you know, the church, all the churches, they're all lit up. You know, we go for mass. It's a very different positive energy that you get in all the churches in Goa, you know, because of so much of history there. So, yeah, I like to spend my Christmas mostly in Goa. Do you have any memories with your sister, with your father, mother? क्रिसमस के समय पर नॉर्मली वी हैव नॉट बिन टू मच टुगेदर बिकॉज यू नो वी ऑल बिन बिजी वर्किंग, बट आई थिंक दिस क्रिसमस वी विल बी टुगेदर होपफुली इन गोवा। हाँ, कॉलेज में फ्रेंड लोग के साथ या स्कूल में फ्रेंड लोग के साथ किस तरह से सेंटा आता था? हाँ, यहाँ पर मेमोरीज तो है मेरी कि मैं बांद्रा माउंट मैरी जाते थे यू नो फॉर मास, एंड देन वी यूज़ टू आफ्टर मास वी यूज़ टू ऑल गो एंड सेलिब्रेट मिड नाइट मास जो बोलते हैं, यू नो 24th 25th का जो मिड नाइट मास होता है उसके लिए हम काफ़ी जाते थे बांद्रा में, क्योंकि मैं काफ़ी रहा हूँ बांद्रा जू में। तो हाँ, श्रद्धा कपूर का मूवी आ रहा है रणबीर सिंह, रणबीर कपूर के साथ, आई थिंक इंडिया इज अ ग्रेट पेयर। इंडिया आई थिंक इट्स अ पेयर दैट एवरीवन वांट्स टू सी ऑन स्क्रीन टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई नो दे बोथ आर वेरी यूनिक इन देयर वेज, बट दे आर ऑल्सो दे लुक गुड टुगेदर ऑन स्क्रीन एंड देयर केमिस्ट्री इज रियली नाइस। सो और लव रंजन सर की फिल्म है, उनकी फिल्म ऑलवेज फील गुड फिल्म होती, यू नो इट्स ऑलवेज अ फील गुड फिल्म, पॉजिटिव स्लाइस ऑफ लाइफ, यू नो आजकल के ज़माने में। अगर स्क्रिप्ट आए तो फिर यू नो दिस अ गुड डायरेक्टर, गुड स्क्रिप्ट। अगर श्रद्धा के डेट्स मिले शी इज रियली बिजी, सो या वी वुड डेफिनेटली डू इट। आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हाँ जी, मेरी एक फिल्म अभी, मेरी एक्चुअली काफ़ी फिल्म्स आ रही है। आई गॉट 3 अपकमिंग रिलीजेस, आई कैन प्रॉब्ली टॉक अबाउट वन विच इज चलती रहे जिंदगी विद सीमा बिस्वास मैम, मंजरी फटेल मैम, जो फेस्टिवल्स के अभी राउंड्स कर रहे हैं, जस्ट गॉट सिलेक्टेड फॉर जयपुर फिल्म फेस्टिवल, फॉर डियोरामा फिल्म फेस्टिवल। तो उसमें मैंने एक मेन किरदार निभाया, इट्स अ फिल्म ऑन कोविड सिचुएशंस, कैसे अलग अलग हाउसेज में अलग अलग हालात में हाउ पीपल हैड टू कोप अप विद इट, एंड जो चीज़ें हुई इज बेस्ड ऑन पार्टली ट्रू स्टोरीज। सो या दैट्स वन अपकमिंग रिलीज। Challenging and very learning year for you, and fans backed you, and especially your father backed you. The way he backed you, he was like, it was very challenging. How do you see 2023? No, great. I mean, I think every year that comes, it's a challenge in different ways. You know, I strive to be a better person, a better human. I strive to work and be there for people and help people as much as I can. Especially after COVID, you know, the situations around have not been the same. So, jitna hum kar sakte hai to meet the challenges of people and ourselves, we try and do it. The fans supported you. Yeah. Whatever happened. No. That was all yeah, unnecessary and uncalled for and nothing really. Yeah. So, I think Christmas में ये शुभकामना मैं देना चाहूँगा कि be nice, be kind, लोगों की मदद करो जितना कर सकते हो, and be empathetic towards people. You know, that's about it. Don't really be out there and be negative, you know. It's a time that humanity needs to stand together for in every way, and be kind to each other. Boss. Thank you.
सबसे पहले मैं आपको हैप्पी मेरी क्रिसमस, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। क्या कुछ पसंद आया बाहर? ये एक्चुअली मैंने क्यूरेट किया हुआ है, ये तेजस्वी जी का ही है फ्ली बाय द ट्री, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो ये मैंने इनका ब्रांड किया हुआ है। और बस जो सारे ब्रांड्स मुझे पसंद हैं, मैंने सब उनको यहाँ पर लाइन अप किया हुआ है। तो पद्म सीता इज आल्सो वन ऑफ देम। यस मैम, आउटस्टैंडिंग। काफी हमने देखा है, काफी ग्लूटेन फ्री भी है, बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट। हाउ डिड यू लाइन अप दोस ऑल थिंग्स? सो बहुत मेहनत करनी पड़ी। आई टुक अबाउट 2.5 weeks टू पुट दिस टुगेदर। इट इज़ वेरी शॉर्ट एक्चुअली, 2.5 weeks बहुत कम है, पर क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को पहले से ही जानती थी तो थोड़ा ईजी हो गया। और एक दो लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद भी की, तो उस हिसाब से फिर सारे 25 ब्रांड्स हैं ऑन बोर्ड, सो दे ऑल केम टुगेदर। और बेसिकली इसका जो थीम है वो है होम ग्रोन लोकल आर्टिसंस, तो उनको हम लोग स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। और जो इको फ्रेंडली ब्रांड्स हैं, जो हेल्थ जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो उन सबको यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। और ये मेरा सेकंड एडिशन है, पहला वाला जो किया था मैंने बांद्रा में किया था, तो ये मेरा सेकंड एडिशन है जुहू में। एंड आई थिंक काफ़ी ऑन डिमांड ना, काफ़ी लोगों ने कहा तेजस्विनी से कि आप ये एक बार फिर से करो, बिकॉज दे वर प्रीटी हैप्पी विद इट। और मैं तो पद्म सीता घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मुझे तो आई हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि पद्म सीता हैज़ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, राइट? सो इट इज़ प्रमोटिंग योर लोकल आर्टिसंस, सो दैट इज़ वाई वी वॉन्ट वीवर्स, वी वॉन्ट लोकल आर्टिसंस, वी वॉन्ट एवरीबडी हु इज़ फ्रॉम इंडिया, विच इज़ मेड इन इंडिया, लोकल, यू नो, एंड वी वॉन्ट टू गिव दैट काइंड ऑफ पुश टू ऑल द ब्रांड्स। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. राइट से एक बार लुक देखिए क्या है आवाज।
thank you. Merry Christmas to all of you. Happy Christmas and wishing you a very happy new year. जैसे कि यहाँ पे बाहर काफी फैशन डिजाइनिंग के ड्रेसेस हैं, जी, शूज हैं, चप्पल हैं, और भी चीजें, कुछ पसंद आया आपको? बिल मेरा स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे, so I was it's a flea market and Tejaswini has called me up. Tejaswini मेरी बहुत बहुत क्लोज दोस्त हैं एंड आई वॉज ट्रैवलिंग, तो उन्होंने मेरे को परसों फ़ोन किया कि मैं एक फ्ली मार्केट लगा रही हूँ एंड रोहित तुम्हारा जो ग्रैंड पैराडूसो कलेक्शन जो मैंने अभी लॉन्च किया इस साल, कहा कि एकदम परफेक्ट जाता है इस मार्केट के लिए, तो व्हाई डोंट यू पुट योर स्टॉल. तो मैंने उनको बहुत हंसते हुए हाँ कह दिया एंड आई वॉज नॉट नोइंग इट वी आर सच अ ग्रेट इवेंट एंड इट्स सच अ ग्रेट काइंड ऑफ एफर्ट शी हैज पुट एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्स्ट्रावेगेंजा. What do you want to say about your stall? What we are going to see in your stall? Because we all know we are going to see different kinds of brands because you are the star of the brand. What's new? Well, I've just launched my Grand Paradiso collection. As what I said, it's more like a kaftans and like a very more like a gitana kind of a clothing, very vintage kind of embroidery on it. So, वो मेरा स्टाइल है. साल में मैं चार कलेक्शन निकालता हूँ. तो इसमें से मैं Grand Paradiso collection इस के लिए लेकर आऊँ. बहुत affordable collection है ये. The collection starts from 5,000 up to 40,000. तो I think so. आपका जो after pandemic people have become very pocket conscious. तो उनके लिए सही collection है. So I hope people got chalega. It's just a beginning. Let's see what the end of the results will be. Sir, Big Boss kitna follow kar rahe ho aap? Pura follow kar raha hu Big Boss. Koi hai aapka favorite? Well, yes, I like that guy, Maratha guy, very well. Shiv Thackeray. I like Abdu a lot. I think he's damn cute. मेरे को जो सबसे इंटरटेनिंग लगती हैं घर में वो मेरे को अर्चना लगती हैं. आई थिंक सो अगर उनको अगर बिग बॉस हटा जाएगा तो बिग बॉस का एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्या कहते हैं कि मसाले ही ख़त्म हो जाएगा. शी इज़ वेरी इंटरटेनिंग, शी इज़ वेरी वेरी क्यूट एंड लाइक मेरी फेवरेट है वो. तो जब आती हैं जिस तरह से उनका बात करने का यूपी स्टाइल में उनका बात करने का है, लड़ाई भी करती हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ जाती हैं, तो आई थिंक शी इज़ गिविंग द मोस्ट एंटरटेनमेंट इन द हाउस. जी जी, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस? वेरी नाइस. कृष्णा की कॉमेडी आपको पता है, यू नो द मोमेंट आई एंटर इज दैट गॉट मी तेंदुआ बिकॉज आई वाज वेयरिंग अ लेपर्ड प्रिंट. तो आई थिंक सो लाइक इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. जाकि जबकि कृष्णा मेरे को चाहता था कि बहुत से लोगों के सीक्रेट जो मेरे को पता है मैं रिवील करूँ, बट माई लिप वॉज सील्ड. बट वैन इट कम टू कृष्णा यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग. अभी हाल ही में टीना की री एंट्री हुई, श्रीजिता की री एंट्री, काफ़ी कुछ हुआ घर में एंड अब फिर वापस कैप्टेंसी टास्क पे भी काफ़ी कुछ हुआ. जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वेल, ये बिग बॉस का फॉर्मेट है ऑब्वियसली, यू नो श्रीजिता की एंट्री हुई है, गेम तो थोड़ा चेंजर हुआ है. टीना कभी इविक्ट हुई नहीं थी कि टीना को वहीं पर रखा था उन लोग ने, दे हैव सेंडर इन. सो बट डेफिनेटली सबके यू नो रूप सामने आ रहे हैं निकल के एंड पर आई थिंक सो जितने सीजन बिग बॉस के हुए आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे को नॉन एंटरटेनिंग सीजन लग रहा है, थोड़ा सा बोरिंग है ये सीज़न. बट बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हैं आई थिंक सो वो एक पूरा यू नो ये 14-15 साल का देख कर आए, तो आई थिंक दे हैव स्टिल पुट अ फेक मास्क टू इट, यू नो. तो उनकी ओरिजिनैलिटी अभी तक इतने हफ्ते हो गए, 10 हफ्ते हो गए, खुल के नहीं आ रही है. ओके, जैसे सब लोग कोई एक एक्सप्रेशन देता है, अपने वर्ड्स को चूज करेक्टली करते हैं, तो लगता है कि ये मेड ऑफ कर रहे हैं. एंड आई थिंक बिग बॉस का फॉर्मेट ये नहीं है, आप अपनी अस्तित्व दिखाइए, आप अपना आपका जो अस्तित्व है वो दिखाइए. बिग बॉस इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, नॉट टू पुट अ मास्क. तो ये मेरा ओपिनियन है कि इस बार की जितने, क्योंकि मैं शालिन को भी जानता हूँ, मैं टीना को भी जानता हूँ, मैं निमृत तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, उन्होंने मैं करियर ही स्टार्ट किया था, आई वॉज डूइंग हर मूड बोर्ड फॉर छोटी सरदारनी, तो मैं जानता हूँ. पर आई थिंक तो लोग बहुत ज़्यादा मीन्स की खुल के नहीं आ रहे हैं अभी भी. इस बार हाथापाई भी काफ़ी कुछ हुआ, आई डोंट थिंक सो इस बार हाथापाई हुई. आई बैक टू डिफर ओवर देयर. वो अर्चना ने उसका गला पकड़ा था, पर इससे ज़्यादा हाथापाई तो ऑलरेडी हो चुकी है पहले. और भी सीजन में हुई थी जब कमाल खान ने मेरे को बोतल मारी थी. जी, जब उससे बाद भी कितनी हाथापाई हुई है. गौली बिंद्रा की लड़ाई हुई है, मीन्स की पूजा मिश्रा की लड़ाई हुई है, इमाम सिद्दीकी की लड़ाई हुई है, हाथापाई से बहुत ज़्यादा हुई है. ये तो फिर भी इतने डिसेंट लॉट आया है इस बार. तो आई थिंक सो अब जैसे कि अंकित की पर्सनैलिटी, मेरे को अंकित बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ अ थरो जेंटलमैन. बट ऑब्वियसली यू नो उनका जिस तरह का उनका रवैया, आई थिंक दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी. तो पीपल हैव टू अडैप्ट दैट. मुझे लगता है वो आम जिंदगी में भी बहुत क्वाइट होते हों क्वाइट होंगे इस तरह के. बट बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट टू यू नो रेज योर ओपिनियंस, रेज योर वॉइस.
to show your true colors, you know, what are you and what is right, what is wrong. Right. Do you think Tina and jo Shalini ki jo relation hai, jo pyar ki relation hai, kafi pyar hote hai Bigg Boss mein, but ye sabse fake hai, sabse on top fake relation hai, just for Bigg Boss? See, उधर तो मैं थोड़ा बैक टू फेक आई डोंट थिंक सो शालिन इज दैट काइंड ऑफ अ गाय कि जो जो कैमरे के लिए करेगा ओके फॉर दैट मैटर दे ऑल नो देयर इन द हाउस दे ऑल नो होल नेशन इज वॉचिंग दैम तो आई थिंक इट्स सच अ फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप में देखिए अब आप वो लोग 24 आवर्स अंदर रहते हैं और आप बिग बॉस का सिर्फ एक घंटा देखते हैं तो बहुत टफ शो है ये क्योंकि मैं स्मार्ट क्योंकि रह चुका लोग बहुत से लोग सोचते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड है बिग बॉस पे पहले से बताया जाता है मेकअप आर्टिस्ट अंदर आते हैं उनको तैयार करते हैं वीकेंड वर्क के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है आप खुद अपना मेकअप करते हो हम लोग के टाइम पे तो कोई स्टाइलिस्ट नहीं होता था कोई इंस्टाग्राम नहीं था तो हम लोग जो कपड़े लेके गए थे हम उसी पर सर्वाइव करते थे पर अब तो बाहर से कपड़े आते हैं बट डेफिनेटली बिग बॉस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड गेम इट इज़ एवरीथिंग देर इज़ नो वॉच देर इज़ नो पेन देर इज़ नो पेपर देर इज नथिंग नो आउटसाइड न्यूज़ कमिंग इन साइड द हाउस ओके तो इट्स अ टफ शो आप 24 घंटे कितना आप खाना बना लोगे कितना गॉसिपिंग कर लोगे तो आपका अस्तित्व निकल के आते ही आता है पर ये जो है बहुत ट्रू कंटेस्टेंट है जो अब तक इतने मखौटे पहन के बैठे हुए आई थिंक डेफिनेटली शिव ठाकरे को मैं टॉप थ्री पे देखता हूँ मैं निमृत को देखता हूँ टॉप थ्री पे मैं चाहता हूँ अर्चना आए टॉप थ्री पर आएगी नहीं वो जहाँ तक लगता है तो मैं आई थिंक टीना विल गो ऑन टॉप थ्री विना आई थिंक सो मेरे को लगता है शिव ठाकरे को जिताएंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी जीत गया है आई थिंक तो निमृत के बहुत चांसेस यू नेवर नो अब्दू जीत जाए बिग बॉस अब्दू भी जीत सकता है बिग बॉस सो इट विल बी अ गेम चेंज जबकि यू नो इट ही वो जी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो जिस तरह से ऑडियंस से रिलेट करते हैं लॉट ऑफ पीपल लव हिम एज अ इंडिविजुअल एंड आई थिंक ही माइट विन द शो मराठी में भी बिग बॉस चालू है जी राखी सावंत मंजूरी का बन गई थी जी तो उनके बारे में क्या कहना है मराठी बिग बॉस मैंने अभी तक फॉलो नहीं किया है डेफिनेटली पर जहाँ राखी सावंत का नाम आता है तो आप कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो आई थिंक राखी सावंत इज अ ट्रू इंटरटेनर ऑफ आवर कंट्री यू मे लव यू मे हेट यू कैनॉट इग्नोर राखी सावंत सो दैट्स अबाउट इट एंड आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड मैरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू सो मच